दो डोनरों ने किया प्लाज्मा डोनेट, मिला सम्मान। दोनों प्लाज्मा डोनेटर को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर किया सम्मानित। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज। संग्रहालय के सभागार में रविवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने दोनों प्लाज्मा डोनेटर को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर किया सम्मानित। आपको बता दें कि बक्सर जिले में मोहम्मद अरमान एवं हाजी इकबाल कुरैशी को एम्स पटना भेजा गया। वहां मोहम्मद अरमान एवं हाजी इकबाल कुरैशी के द्वारा सफलतापूर्वक प्लाज्मा डोनेट किया गया। पटना में उन्हें सम्मान पत्र, थैंक्स लेटर के अलावे 500 रुपये नगद एवं ब्लड डोनेटर कार्ड सरकार की ओर से दिया गया। तो आइए अब देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से। ये बताइए, आज आपको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? जी, हमें बहुत खुशी है कि जिला प्रशासन ने सम्मानित किए और ये ऐसे कदम उठाए प्लाज्मा डोनेट करवाने के लिए। ये बहुत सम्मान की बात है और ये सब लोग से यही है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये प्लाज्मा डोनेट से कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पहले हम भी घबराए थे प्लाज्मा डोनेट करने का, जब नाम आया तो क्या होता है कैसे होता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इससे कोई कमी। कैसा लग रहा है, आप देख करके आए हैं, खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खुद को तो हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्लाज्मा से किसी इंसान के जान बच जाए, ये बहुत हमारे गर्व की बात। कोई कमजोरी कुछ इस तरह? कोई वीकनेस नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। ये ब्लड निकाला जाता है, उसको फिर रिफाइन कर करके प्लाज्मा ले लिया जाता है, उसके बाद फिर उस ब्लड को वापस मेरे शरीर में दोबारा ये फिर कर दिया जाता है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, प्लाज्मा डोनेट आगे आके कर सकते हैं, इससे लोगों की जान बचाने में बहुत ही मदद मिलेगी। और अभी आप लोगों ने जो हमारे प्लाज्मा डोनर हैं उनके माध्यम से आप लोगों ने सुना कि किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरू में इन लोगों को भी घबराहट थी और हम लोगों ने इनको समझाया कि किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये खुद अभी प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आके यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ